2019 आम चुनाव से पहले देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कवायद पर सबसे पहला हमला उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बुआ भतीजे की पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए सपा और बसपा में 38-38 सीटों पर सहमति बन गई है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत तय है, इसलिए इन दोनों ही पार्टी ने यहां से उम्मीदवार न उतारने में ही अपनी भलाई समझी है। बची दो सीट अन्य पार्टी के लिए छोड़ी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का इसमें क्या रुख होता है। आपको बता दें कि सपा और बसपा ने 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस से किनारा कर लिया था। दोनों ही पार्टी ने इन चुनावों में कांग्रेस से अलग अकेले ही चुनाव लड़ा था, जिसका कांग्रेस को खासा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव का गणित अलग होता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के भीतर बुआ भतीजे का ये फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कांग्रेस का जो हाल यूपी में माया और अखिलेश ने किया है, वही हाल अगर बिहार और अन्य राज्यों में भी हुआ तो निश्चित ही 2019 आम चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सफर हो सकता है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब। 2019 आम चुनाव से पहले देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कवायद पर सबसे पहला हमला उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बुआ भतीजे की पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए सपा और बसपा में 38-38 सीटों पर सहमति बन गई है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत तय है, इसलिए इन दोनों ही पार्टी ने यहां से उम्मीदवार न उतारने में ही अपनी भलाई समझी है। बची दो सीट अन्य पार्टी के लिए छोड़ी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का इसमें क्या रुख होता है। आपको बता दें कि सपा और बसपा ने 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस से किनारा कर लिया था। दोनों ही पार्टी ने इन चुनावों में कांग्रेस से अलग अकेले ही चुनाव लड़ा था, जिसका कांग्रेस को खासा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव का गणित अलग होता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के भीतर बुआ भतीजे का ये फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कांग्रेस का जो हाल यूपी में माया और अखिलेश ने किया है, वही हाल अगर बिहार और अन्य राज्यों में भी हुआ तो निश्चित ही 2019 आम चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सफर हो सकता है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब।